अमिता किचन में आपका वेलकम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का जैम, जो बहुत ही टेस्टी होता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आजकल कच्चे आम का सीज़न है, इस सीज़न में हम कच्चे आम के बहुत सारे डिशेज़ बनाते हैं। कच्चे आम का अचार, चटनी, बहुत सारे डिशेज। आज हम कच्चे आम का जैम बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी होता है। कच्चा आम पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कच्चे आम का जैम बनाने के लिए ये हमने 5 कच्चे आम लिए हैं। अब हम एक कुकर लेंगे, इसमें हम आम डालेंगे और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और इसे हम पैक करके 2 सीटी लगा लेंगे, जिससे आम हमारे अच्छे से उबल जाएं। और आम हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसके छिलके निकाल देंगे, इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। इस तरह से हम इसके सारे छिलके निकाल देंगे। अब हम इसके सारे पल्प निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये हमारे सारे पल्प निकल गए हैं। अब हम इसे छान लेंगे, जिससे इसके रेशे निकल जाएं अच्छे से। अच्छे से छन गया है, ये जरा से बचा है, अब इसे हम निकाल देंगे। हम एक पैन रखे हैं, इसमें हम आम के पल्प डाल दिए हैं। इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। इसे हमने 2 मिनट पका लिया है। इसमें अब हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम चलाएंगे। चीनी डालने से ये आम हमारा पानी छोड़ देगा, ये थोड़ा पतला हो जाता है। इसे हम थोड़ा अब गाढ़ा करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। हमने इसमें ग्रीन फूड कलर डाला है, आप इसमें कोई भी कलर डाल सकते हैं या बिना फूड कलर के ही बना सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया है, ये हमारा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। हमारा जैम बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे 1 शीशे के जार में डाल के रख दें तो ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगा। आप इसे खाएं और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, बच्चों को भी खिलाएं। और अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट करके शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।